नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। आईआईटी बॉम्बे के एमटेक और पीएचडी के स्टूडेंट्स ने कहा है कि जब तक इंस्टीट्यूट प्रस्तावित फीस वृद्धि के फैसले को वापस नहीं लेता, तब तक वे 6 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहेंगे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। वो आज से 3 जिलों का दौरा भी शुरू कर रहे हैं। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत के इस सनसनीखेज दावे पर भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सत्ता जाने के बाद से संजय राउत अब सो नहीं पाते हैं, वो नींद की गोलियां लेते हैं और सपने देखते हैं। तो उधर महाराष्ट्र में शिंदे बनाम ठाकरे का नज़ारा अब 3 जिलों में देखने को मिल सकता है। दरअसल युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद समेत कुछ जिलों के दौरे पर है और वहीं सीएम का 3 दिवसीय अभियान आज से शुरू हुआ। इस बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इसी की शुरुआत औरंगाबाद महानगर पालिका से होगी। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आईटीआई बॉम्बे के स्टूडेंट ने प्रास्ताविक फीस वृद्धि को वापस लिए जाने की मांग की है। एमटेक और पीएचडी के स्टूडेंट ने कहा है कि जब तक इंस्टीट्यूट प्रास्ताविक फीस वृद्धि के फैसले को वापस नहीं लेता, तब तक वे 6 अगस्त के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहेंगे। आईटीआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स का कहना है कि फीस में 35% की वृद्धि की गई है, जिसकी उन्हें पहले से सूचना भी नहीं दी गई। प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने अपने बयान में कहा है कि हम मांग करते हैं कि फीस वृद्धि के इस मामले को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। यही नहीं, स्टूडेंट्स ने मांग की है कि फीस वृद्धि के मामले में कोई भी फैसला लेते समय स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह विरोध तब शुरू हुआ जब सबसे पहले जुलाई मई के शुरू में आईटीआई प्रशासन ने पीजी कोर्सेज की फीस 35% बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। प्रशासन ने बताया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने फीस वृद्धि के फैसले को 3 साल पहले ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। स्टूडेंट ने इस फीस वृद्धि को गलत करार दिया है। एक ओपन हाउस डिक्शन में प्रशासन ने साफ कह दिया है कि फीस वृद्धि का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। यही वजह है कि स्टूडेंट्स अपना विरोध तेज कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्ता की जंग में विजेता बने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब शिवसेना के लिए कोशिश करते नजर आ रहे हैं। खबर है कि उन्होंने पार्टी के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। इसके अलावा वह आज से 3 जिलों का दौरा भी शुरू कर रहे हैं। खास बात है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे आदित्य ठाकरे भी इन जिलों की यात्रा पर है। मीडिया स्पोर्ट्स के मुताबिक शिंदे ने कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी से मुलाकात की। इससे पहले वह पूर्व मंत्री लीलाधर धाके से भी मिले थे। ये दिनों वरिष्ठ नेता शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा सीएम लोकसभा सांसद गजानन कीर्तिकार से भी मिल चुके हैं। शिंदे ने कहा कि सीएम कार्यालय संभालने के बाद मैंने इन शिवसैनिकों से मिलने का फैसला किया था, जिन्होंने पार्टी के लिए सब कुछ किया। जोशी ने उन्हें एक बुकलेट दी है। इनमें 60 योजनाएं शामिल है जो उन्होंने सीएम रहने के दौरान लागू की थी। उन्होंने कहा कि बाला साहब से चर्चा के बाद इन्हें अंतिम रूप दिया गया था। इनमें से कुछ मैं भी लागू करूंगा। साल 1995 से साल 1999 के बीच राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। इस दौरान महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी। शिंदे के कार्यालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार शिंदे ने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा और उनका आशीर्वाद लिया। शिवसेना के फायरबैंड नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने हाल ही में दावा किया है कि महाराष्ट्र में अगर एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होता है तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। उनके इन सनसनीखेज दावे पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि संजय राउत अब सो नहीं सकते हैं, वह नींद की गोलियां लेते हैं और अपने सपने देखते हैं। अगर विधायक सांसद मंत्रालय में नहीं जाते हैं तो क्या उनके क्षेत्र का विकास होगा? एकनाथ शिंदे दिल्ली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के विकास के लिए फंड की आवश्यकता है। महा विकास आघाड़ी की सरकार ने 2.5 साल में सब नष्ट कर दिया। हमें 2 साल में 5 साल का विकास पूरा करना है। इसके लिए हमें केंद्र की मदद की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि आपने कभी दिल्ली पर विश्वास नहीं किया, इसलिए आप दिल्ली नहीं गए। शिंदे फडणवीस की दिल्ली यात्रा केवल महाराष्ट्र के विकास के लिए है। विधायक और सांसद भले ही चले जाए, आपकी स्थिति अभी भी नहीं बदली है। अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत के लिए आत्मचिंतन का समय है। गलतियों को सुधारने के बजाय विधायकों के बारे में अपशब्द कहे जा रहे हैं। शिवसेना इसका खामियाजा भुगत रही है।
महाराष्ट्र में शिंदे बनाम ठाकरे का नजारा अब 3 जिलों में देखने को मिल सकता है। दरअसल युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे नासिक, अहमदनगर, औरंगाबाद समेत कुछ जिलों के दौरे पर है। अब खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उन्हीं जिलों में बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। सीएम का 3 दिवसीय अभियान आज से शुरू हो रहा है। ठाकरे की संवाद यात्रा का पहला चरण भिवंडी से शुरू हुआ था और शिरडी में खत्म हुआ था। इनमें नासिक, औरंगाबाद और अहमदनगर जिले भी शामिल है। अब वह सावंतवाड़ी और कोल्हापुर में इनका अगला दौरा 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। खास बात है कि ठाकरे ने यात्रा के दौरान बागी विधायकों की आलोचना की थी। इधर शिंदे भी बागी विधायकों के क्षेत्र में बैठकें कराने जा रहे हैं। यात्रा के दौरान सीएम शिंदे नासिक जिले के मालेगांव में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। वही इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी। दरअसल मालेगांव बागी विधायक दादाजी भूसे का क्षेत्र है। यहां सीएम दोपहर में एक बैठक करेंगे और विधायक सुहास कांदे से मिलेंगे। औरंगाबाद जिले में सीएम वैजापुर में बैठक करेंगे और यहां मंडल कार्यालय में एक समीक्षा बैठक की जाएगी। इसके बाद वह कई विकास कार्यों की शुरुआत करने के लिए अब्दुल सत्तार के क्षेत्र सिलोद जाएंगे। यहां वह एक जनसभा में शामिल होंगे। इसके बाद वह औरंगाबाद मध्य के विधायक प्रदीप जायसवाल, औरंगाबाद पश्चिम विधायक संजय सिरसाट और संदीपन भूमरे के दफ्तर पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अतुल सावे से मिलकर मुंबई के लिए निकलेंगे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत औरंगाबाद महानगर पालिका से होगी। इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि मुंबई समेत अन्य स्थानीय निकायों में भी शिंदे और सेना और बीजेपी मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। जाहिर है इनका मुख्य मुकाबला शिवसेना से होगा और शिंदे सेना शिवसेना से वोट बैंक में सेंध लगाएगी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। भाजपा इस रणनीति को गंभीरता से भांप रही है, इसलिए साथ कर कदम रख रही है। गौरतलब है कि मुंबई महानगर पालिका में पिछले 25 साल से शिवसेना की सत्ता है, लेकिन इस बार उनके सामने बड़ी गंभीर चुनौती है। हालांकि मुंबई में एकनाथ शिंदे को शिवसेना को तोड़ने में अब तक बड़ी सफलता नहीं मिली है। मुंबई में यमिनी जाधव, मंगेश कुडालक, प्रकाश सुर्वे और सदा सरवनकर, यह 4 विधायक और सांसद राहुल शेवाले ही शिंदे के साथ गए हैं। जहां तक औरंगाबाद का मामला है, एकनाथ शिंदे के समूह वाली शिवसेना के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जांजल ने कहा कि शिंदे समूह और बीजेपी औरंगाबाद नगर निगम चुनाव एक साथ लड़ेंगे। इस पर शुरुआती चर्चा पहले ही हो चुकी है। हमने स्थिति पर मंथन किया है और विश्वास से भरपूर है, सफलता भी हासिल करेंगे। भाजयुमो नेता प्रवीण नेतारू की हत्या से फैले तनाव के बीच कर्नाटक के मंगलुरु स्थित सूरतकल में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसका नाम फाजिल बताया जा रहा है। तो तेलंगाना में एक निर्माणाधीन स्थल पर 5 मजदूर मृत मिले हैं। पुलिस ने बताया कि सभी मजदूर जमीन से 100 मीटर नीचे बनाए जा रहे वेंटिलेशन शाफ्ट में मिले। वही अर्पिता ने उनके कमरों में मिले अकूत दौलत को लेकर ईडी से पूछताछ में बताया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पार्थ चटर्जी मुझे कभी भी बंद कमरों में जाने नहीं देते थे। तो उधर यथार्थ गीता के प्रणेता स्वामी अटगड़ानंद महाराज के मिर्जापुर स्थित सक्तेशगढ़ परमहंस आश्रम में सुबह सुबह भक्त और आश्रम के लोग आसन लगाकर भक्ति में लीन थे, तभी गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। एक मौत की खबर है। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेरा और नेटा डिसूजा को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर एक दीवानी मानहानि के मुकदमे पर समन जारी किया है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कर्नाटक के मंगलुरु स्थित सूरतकल में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसका नाम फाजिल बताया जा रहा है। यह वारदात ऐसे समय में हुई जब बीती 26 जुलाई को ही दक्षिण कन्नड़ में भाजयुमो नेता प्रवीण नेतारू की हत्या को लेकर पहले से ही तनाव फैला हुआ है। हत्या के पीछे अभी तक कोई वजह या फिर हत्यारों का नाम उजागर नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस लगातार घटना के पीछे की वजह जानने में लगी है। मंगलुरु के बाहरी इलाकों के साथ साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रवीण नेतारू भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला सचिव थे। प्रवीण बेलोरे क्षेत्र के पास एक पोल्ट्री की दुकान चलाते थे। मंगलवार रात को जब वे घर लौट रहे थे, तभी करीब 9 बजे उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया। गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण प्रवीण ने दम तोड़ दिया। वही प्रवीण की हत्या के पीछे की वजह उस पोस्ट को भी जोड़ कर देखी जा रही है, जो उन्होंने कन्हैया लाल की हत्या को लेकर किया था। दरअसल प्रवीण ने कुछ समय पहले ही एक कार्टून इमेज के जरिए कन्हैया लाल के समर्थन में पोस्ट किया था, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि हत्यारों ने इसी के बदले प्रवीण की जान ले ली हो। तेलंगाना में एक निर्माणाधीन स्थल पर 5 मजदूर मृत मिले हैं। पुलिस ने बताया कि सभी मजदूर जमीन से 100 मीटर नीचे बनाए जा रहे वेंटिलेशन शाफ्ट में मिले। यह घटना तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले की है।
सिंचाई परियोजना में काम कर रहे 100 फीट गहरी सुरंग से केबल खींचकर निकालने के दौरान 5 मजदूरों की मौत हो गई है और 2 घायल हो गए हैं। 5 श्रमिकों की पहचान पूर्वी गोदावरी जिले के सीनू झारखंड के भोलानाथ प्रवीण तथा बिहार के कमलेश और सोनू कुमार के रूप में हुई है। यलांद्री ने बताया कि 100 फीट गहरी सुरंग में कुछ ठोस काम कर रहे 7 मजदूर अपना काम खत्म करके बाहर आ रहे थे, तभी हादसा हुआ। जैसे ही वे 70 फीट ऊपर आए क्रेन की केबल टूट गई और वे वापस गहरी सुरंग में गिर गए। अधिकारियों ने तुरंत उन्हें एक अन्य क्रेन की मदद से बाहर निकाला और उस्मानिया सामान्य अस्पताल में ले गए, लेकिन 5 को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया है, मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि पलामुरु रंगा रेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण 35 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। बंगाल सरकार के बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी ने ईडी की पूछताछ में चौंकाने वाला बयान दिया है। अर्पिता ने प्रवर्तक निदेशालय को बताया कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उनके कोलकाता के 2 अपार्टमेंट में बुधवार को 27.9 करोड़ रुपए की इतनी रकम और कीमती सामान रखा गया है जिसकी गिनती के लिए 13 घंटे की जरूरत है। अर्पिता ने ईडी से पूछताछ में बताया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, पार्थ चटर्जी मुझे कभी भी बंद कमरों में जाने ही नहीं देते थे। बता दें कि बेलघोरियों के क्लब टाउन हाइट्स में अर्पिता के फ्लैट के एक बेडरूम और एक अटैच वॉशरूम में भारी मात्रा में छिपाई गई नकदी और 4.3 करोड़ रुपए के आभूषण मिले जो ईडी ने हाल ही में छापे के दौरान जब्त किए थे। यह कार्रवाई एजेंसी ने 21.9 करोड़ रुपए 54 लाख रुपए जब्त करके 6 दिन बाद की है। दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज में मॉडल के फ्लैट से विदेशी मुद्रा के साथ ही 74 लाख रुपए का सोना भी बरामद किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि जब उन्होंने आपसी अपनी अन्य संपत्तियों का खुलासा करने के लिए कहा तो वह बार बार टूट गई और खुद को निर्दोष बताने लगी। अधिकारियों ने कहा कि एक बार जब उन्होंने फ्लैट 8A में छापेमारी की और बेडरूम का ताला तोड़ा तो अटैच वॉशरूम की मचान में भी नकदी के ढेर मिले। यथार्थ गीता के प्रणेता स्वामी अड़गणानंद महाराज के मिर्जापुर स्थित सक्तेशगढ़ परमहंसा आश्रम में सुबह सुबह भक्त और आश्रम के लोग आसन लगाकर भक्ति में लीन थे, तभी गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। जिस तरफ से गोलियां चलने की आवाज आई उस तरफ भागकर लोग पहुंचे तो देखा कि गोली लगने से साधु जीवन बाबा उर्फ जीत की मौत हो चुकी थी, जबकि आशीष महाराज गोली लगने से घायल पड़े थे। घायल साधु को आश्रम के लोग अस्पताल ले गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को सिर में गोली लगने से मृत जीवन बाबा का शव और 2 तमंचे मिले। सीओ चुनार रामनंद राय फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन की। आश्रम के लोगों ने बताया कि जीवन बाबा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। घायल साधु के बारे में किसी ने पुलिस को जानकारी नहीं दी। सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल में पता चला है कि एक साधु को गोली लगी है। इसके बाद दोपहर में पुलिस को अपने सूत्रों से पता चला कि गोली से घायल आशीष बाबा का चंदौली के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक आशीष बाबा के कमर में फंसी गोली ऑपरेशन कर निकाल दिए जाने से हालत खतरे से बाहर है। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए पुलिस घटना के पीछे स्वामी अड़गणानंद की हत्या की साजिश की आशंका की भी जांच कर रही है। आश्रम के सभी सीसीटीवी के फुटेज पुलिस ने कब्जे में लिए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेरा और नेटा डिसूजा को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर एक दीवानी मानहानि के मुकदमे पर समन जारी किया है। इस मानहानि मुकदमे में कथित तौर पर उनके और उनकी बेटी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक के हर्जाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करण की पीठ ने कांग्रेस के 3 नेताओं को महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय का प्रभार संभालने वाली ईरानी के खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में सोशल मीडिया से रिट्वीट पोस्ट वीडियो और फोटो हटाने का निर्देश भी दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब सामग्री को हटा देंगे। ईरानी की यह कार्रवाई कांग्रेस नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद आई है कि उनकी 18 वर्षीय बेटी जोइश ईरानी ने गोवा में अवैध रूप से एक बार चलाया, इस पर मंत्री पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। स्मृति ने इस आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मेरी बेटी 18 साल की है, वो बार नहीं चलाती है। दरअसल अमेठी में गांधी फैमिली अपनी हार को पचा नहीं पाई, इसलिए ऐसे आरोप लगा रही है। उन्होंने कोर्ट जाने की बात कही थी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ताइवान के मुद्दे पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि आग से खेलने वाला खुद जल जाता है। तो अमेरिका की पुलिस ने एक 29 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वो व्यक्ति चोरी के ट्रक का उपयोग करके स्पेस फोर्स बेस में सेन लगाने की कोशिश कर रहा था।
वहीं ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने देश से यौन अपराधियों के खात्मे का संकल्प लिया है, तो उधर अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान के बाद चीन को भी तगड़ा झटका दे दिया है। इसी बीच उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने धमकी दी है कि वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ संभावित सैन्य संघर्षों में अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने को तैयार है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ताइवान के मुद्दे पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आग से खेलने वाला खुद जल जाता है। जिनपिंग ने बाइडेन से कहा कि अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर आग से न खेले। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने गुरुवार को करीब 2.5 घंटे वर्चुअल बैठक की। इसी दौरान जिनपिंग ने बाइडेन को ताइवान मुद्दे पर आग से न खेलने की चेतावनी दी। चीन की ये चेतावनी ऐसे समय में आई जब अमेरिकी कांग्रेस के निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान जाने की योजना बना रही है। ताइवान स्वशासित द्वीप है जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। चीन ने कहा कि वह इस यात्रा को उकसावे की कार्रवाई के तौर पर देखेगा। करीब 2.5 घंटे तक हुई बातचीत में चीन ने अमेरिका के सामने ताइवान को लेकर अपनी चिंताएं रखी। नैन्सी पेलोसी की संभावित ताइवान यात्रा के मद्देनजर अमेरिका को चेतावनी देते हुए चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी पक्ष इस बात को पूरी तरह से समझेगा। ताइवान मुद्दे पर चीनी सरकार और लोगों की स्थिति सुसंगत बनी हुई है। यह चीन की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की मजबूती से रक्षा करने के लिए 1.4 बिलियन से अधिक चीनी लोगों की दृढ़ इच्छा है। अमेरिका की पुलिस ने एक 29 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वह व्यक्ति चोरी के ट्रैक का उपयोग करके स्पेस फोर्स बेस में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। बेस में घुसते समय जब उसे ऑफिसर्स ने पकड़ा तो वह लंबी लंबी फेंकने लगा। उसने कहा कि वो एक मिशन पर है, उसके पास एलियंस से जुड़ी कुछ अनोखी जानकारी है। यहां उसे अमेरिका की प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक व्यक्ति की पहचान फ्लोरिडा के कोरी जॉनसन के रूप में हुई है। वह चोरी के बेवॉर्ड काउंट्री स्थित पोट्रिक स्पेस फोर्स बेस में घुस रहा था। आने से पहले उसने एक फोर्ड ट्रक चुरा ली थी। वह उसी चोरी की गाड़ी में आया था। जब वह मिलिट्री बस में आगे बढ़ रहा था तब अधिकारियों ने उसे रोका। कोरी ने उससे कहा, मैं अर्जेंट मिशन पर हूँ और इस मिशन पर मुझे प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भेजा है। मुझे अधिकारियों को उन एलियंस के बारे में आगाह करना है जो चीनी ड्रैगन से लड़ रहे हैं। पुलिस ने कोरी की फर्जी बातें सुनते ही उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इसकी गिरफ्तारी के बाद उसके ट्रक चुराने का पता चला। पुलिस ने उसे ट्रक चोरी के आरोप में ही गिरफ्तार किया है। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सुर्खियों में आया है। बता दें कि पोर्टिक स्पेस फोर्स बेस लॉन्च डेल्टा 45 का ठिकाना है जो पूर्वी रेंज मिसाइल और रॉकेट लॉन्च का संचालन और रखरखाव करता है। यह साइट कैनेडी स्पेस सेंटर के लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने देश से यौन अपराधियों के खात्मे का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि वे ऐसे सरगनाओं को अधिकतम सजा दिलवाएंगे जो इस तरह के अपराध में लिप्त है। इसका मतलब है कि अगर ऋषि ब्रिटेन के पीएम बन जाते हैं तो वहां लड़कियों पर बुरी नजर डालने वालों की खैर नहीं होगी, उन्हें अब अपनी दुकानें बंद करनी होगी। ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री चुने जाने पर बच्चों युवतियों को निशाना बनाने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने तथा उन्हें खत्म करने के साथ साथ उनके सरगनाओं को अधिकतम सजा दिलवाने का संकल्प लिया है। उनकी सरकार में यौन अपराधों को अंजाम देने वाले गिरोह सदस्यों के खिलाफ गिरोह का हिस्सा होने या उसके लिए काम करने को लेकर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। ऋषि ने कहा कि महिलाओं लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा के खत्म हो जाने तक इनमें राष्ट्रीय आपदा की तरह निपटा जाना चाहिए। मैं भी 2 बेटियों का पिता हूँ और चाहता हूँ कि लड़कियाँ बिना किसी डर के रात को किसी भी दुकान पर जा सके। बता दें कि सुनक के भारतीय मूल के माता पिता पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन आए थे। उनका जन्म 1980 में साउथम्पटन में हुआ था। उनके पिता एक चिकित्सक थे तो माँ फार्मेसी का काम देखती थी। 2015 में सुनक कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से यॉर्कशायर के रिचमंड क्षेत्र के सांसद हैं। अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान के बाद चीन को भी तगड़ा झटका दे दिया है। तालिबान ने दुनिया से वादा किया था कि वह अपने जमीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होने देगा, लेकिन अब उइगर मुसलमानों ने अपने अड्डे अफगानिस्तान में बना लिए हैं। इससे पहले तालिबान के तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को लेकर भी पाकिस्तान से ऐसे ही वायदे किए थे, लेकिन तालिबान ने वादा खिलाफी करते हुए TTP को पनाह देना जारी रखा है। चीन उइगर मुस्लिम के खिलाफ
दमन चक्र चला रहे और इसका विरोध करने वालों को विद्रोही बताता है। चीन ने तालिबान से मांग की थी कि वह इन उइगर विद्रोही के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन तालिबान ने चीन की मांग को मानने से इनकार कर दिया है। उइगर मुसलमानों के पक्ष में बंदूक उठाने वाले विद्रोही गुट के इस तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ने एक बार फिर से तालिबान में अपना अड्डा बना लिया है। यह संगठन अफगानिस्तान और सीरिया में काम करता है और अलकायदा और तहरीके तालिबान पाकिस्तान सहित कई आतंकवादी समूहों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध है। यह विद्रोही ग्रुप फिलहाल शांत है, लेकिन वे भविष्य में चीन के लिए टाइम बम साबित हो सकते हैं। बता दें कि चीन पर पिछले कई वर्षों से ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार किया है। साथ ही तालिबान के बारे में कहा जाता है कि इससे इस क्षेत्र में उइगर अलगाववाद को बढ़ावा दिया है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग ने धमकी दी है कि वह अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ संभावित सैन्य संघर्षों में अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने को तैयार है। किम ने धमकी देते हुए कहा कि उनका देश दक्षिण कोरिया को खत्म कर देगा और अमेरिका से युद्ध करेगा। किम जोंग ने 1950-53 के कोरिया युद्ध की समाप्ति को समाप्ति की 69वीं वर्षगांठ पर देश के पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए यह धमकी दी। किम जोंग ने अपने भाषण में कहा कि हमारे सशस्त्र बल किसी भी संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे देश की परमाणु युद्ध क्षमता भी पूरी तरह से तैयार है। इससे पहले पिछले हफ्ते भी उत्तर कोरिया ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सहित उसके खिलाफ अपने शत्रुतापूर्वक सैन्य अभियान को नहीं रोका तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया को जबरदस्त सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जानकर बताते हैं कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच बड़ी नजदीकियां की वजह से किम जोंग तिलमिलाया हुआ है। खबर के मुताबिक अमेरिका और साउथ कोरिया एक दूसरे के सहयोगी है और दोनों देश अपने सैन्य अभ्यास को विस्तार देने की योजना बना रहे हैं। इस वजह से आने वाले दिनों में तानाशाह किम जोंग उन अमेरिका और साउथ कोरिया को ऐसे ही धमकी देता रहेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया अमेरिका और साउथ कोरिया के खिलाफ अपने हमले तेज कर सकता है। किम ने कहा कि उनका सशस्त्र बल किसी भी संकट से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह अपनी शत्रुतापूर्ण नीतियों को सही ठहराने के लिए उत्तर कोरिया को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। तो वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।